हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप ठीक होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हुआ शाम के 4 और मैं हो गया हूँ रेडी। दिन में आज थोड़ा काम था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाने पाया। तो अभी हमारा रहेगा कंटिन्यू। तो अभी मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको बाहर का मौसम। तो बहुत ज़्यादा हुई है गर्मी यार, धूप वगैरह बहुत आजकल ना। मुझे यार बंदर नहीं दिख रहे मेरे प्यारे बंदर, और उस साइड हमारा मंदिर दिखा नहीं। तो अभी हम चलते हैं नीचे वर्षित। तो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद पता चला कि वर्षित तो है, वर्षित गया मम्मी के पास, मतलब नीचे है मम्मी। और अभी हमारे घर पे सब्जी की तैयारी तो नहीं चल रही है, मतलब क्या कुछ बनेगा शाम का तो आजकल कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जो हमारे कुक हो ज़्यादा बिजी रहते हैं आजकल। और तो गाइस, अभी हम चलेंगे नीचे, और आज हमारा जो व्लॉग रहेगा स्पेशली रहेगा, मतलब चैलेंजिंग कुछ नया करेंगे, क्योंकि यार बोर हो गए अभी देख देख। तो आज हम फूड चैलेंज का कोई व्लॉग बनाएंगे, मतलब किस देखें वर्षित के साथ ही थोड़ी मस्ती करूँगा। तो मैगी चैलेंज होगा, मतलब वर्षित कितनी खा जाएगा, मैं कितनी खा जाऊँगा। वैसे तो मैं ही जीतता हूँ, लेकिन फिर भी एक मज़ेदार तो बन जाएगा थोड़ी ही। अभी मैं मैगी लेने जाऊँगा शॉप पे, और पहले वर्षित को देखता हूँ क्या कर रहा है। वर्षित बिजी तो नहीं है खेलने में, और फिर देखते हैं गाइस, और मिलते हैं, कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल व्लॉग। तो गाइस, मैं आ गया था कलर घर पे, और तो अभी मैं देख रहा हूँ कैमरे में, मतलब हमारी गली में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं। तत्व ऐसे हैं कि एक सब्जी वाला आया हुआ है कि वो अपनी सब्जी बेचने आया, और हमारे यहाँ पे ऐसे तत्व है कि वो अपने घर की सब्जी उसको बेच रहे हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा है, बोल रहे हैं कि ले ले वापिस। यार वो खुद बेचने आया तो वो क्यों लेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जा चुका है वो, आप थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। और ये दंतन सिंह जी गाइस, ये मुझे मिल गया। वर्षित क्या कर रहा है? वर्षित कर रहा है राख। तो गाइस, आज का हमारा व्लॉग रहेगा स्पेशली विलेज लाइफ में क्या क्या होता है। ये मैंकू मंजूरा, इसे हम मैंकू बोलते हैं। मैंकू क्या नाम बेटा आपका? मैंक। कौन सी कक्षा में है तू? पाँचवीं। चलो बढ़िया भाई साहब। ये हमारी गाय यार, इसके पास चला जाएगा जाके दिखाइए। गाय के पास चलिए, मैं जाके दिखाता हूँ आपको। अरे बारे की है तो। तो अभी आपको मोर चीज़ दिखाता हूँ विलेज लाइफ में क्या क्या होती है। तो इसे हम बोलते हैं, वैसे हरियाणा में बोलते हैं गंडासा, मतलब जो भी कुछ ज्वार वगैरह होती है वो वैसे थोड़ी यहाँ पर काटी जाती है। और ये गौ माता की सेवा की जा रही है यहाँ पे मैंकू द्वारा, और मैं भी कर रहा हूँ, और अभी ये मारने को है। तो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे। आने के बाद मुझे आ रही बहुत अच्छी महक, पता नहीं सब्जी किस चीज़ की बनी है, चलो अभी देखते हैं हम। तो गाइस, सब्जी बनी है लौकी की, और अभी मैं वर्षित के लिए ले आता हूँ फ्रूटी शॉप पे से। और जो मैं अपना हमारा जो मैगी चैलेंज था वो गया कैंसिल, क्योंकि अभी शाम हो गई है, थोड़ा लेट हो गए, कल बनाएंगे मतलब मैगी वर्षित के साथ। तो अभी मैं ले आता हूँ फ्रूटी, पैसे ले लेता हूँ, पैसे भी ना कुछ भी नहीं है। तो गाइस, फ्रूटी के लिए तो मम्मी ने मना कर दिया है, तो अभी मुझे मिल गए हैं ओएस खिलाते हैं वर्षित को, और अभी हम चलते हैं ऊपर। और आज हमारे घर पे चल रहा है, कपड़े धो रहे हैं। तो गाइस, वर्षित को ना ये रैप छीलना आ गया बिल्कुल, और ये खा रहा है ओएस। वर्षित फ्लाइंग किस कर दे यार, तो एक क्या हुआ नहीं छिला कौन है ये। और ये हमारी विलेज लाइफ, इस टाइम ना सभी हम गांव में मतलब काम वगैरह लग जाते हैं, कोई क्या कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। शहर में ऐसा होता कि इस टाइम वो फ्री हो जाते हैं, मतलब काम कुम करके अपना शहर करने जाते हैं, तो काम ही नहीं ख़त्म होता विलेज में। यो मेरी मोम जो बिल्कुल फ्री है, कुछ करना नहीं। तो गाइस, जो ये वूमेन है पूरा दिन लगी रहती है इस पर, बहुत मुझे दया आती है यार। काम कोई भी हो लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए ना, मतलब लोगों वाला काम करती है पूरा दिन बेचारी बोल सकते हैं हम। और इधर हमारी वूमेन्स कर रही हैं काम, इन कामों में छिक जाती हैं बस, कपड़े वगैरह धोने में। और ये मेरी मम्मी का टेस्ट पूरा स्वाद है दादी को। गाइस, वर्षित ने खा लिए थे वो ओएस,
और अभी हम लेने चलते हैं, और वर्षित की मांग है और खाने की, तो हम फ्रूटी कुरकुरे वगैरह भी लाएंगे, देखते हैं क्या कुछ है। शॉपिंग चलो चलते हैं गाइस। ये सारा ट्रक खड़ा, भगवान तेरा ही सहारा। और ये साड़ी भैंस बेचारी गर्मी में यार, यही है विलेज लाइफ। तो गाइस मैं आ गया था शॉप पे से, मतलब दुकान पे से, और मैं लिया हूँ वर्षित के लिए काफ़ी सारा सामान, मतलब एक दिन तो चली ही जाएंगी, तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। 3 OS, 2 फ्रूटी, और ये हम अपने लिए लिया सतमोले। यार ये बचपन की याद आती है ना, तब लेने का मन कर जाता है। तो गाइस अभी हम चलेंगे ऊपर और खाते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं कंटिन्यू। तो गाइस वर्षित ने कर दिया अपना OS ख़त्म, अभी ये पी रहा फ्रूटी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीनी भी आती है तुझको डोंगी। और मैंने आज बंदरों को याद किया, तो बंदर मेरे सामने हैं, मतलब हनुमान जी। हनुमान जी तो तब याद आते हैं जब पढ़ते हैं। आपको दिखा देता हूँ जूम करके, वो बैठा, बहुत शरारती बंदर है ये, एक हमारा वर्षित शरारती बंदर है। तो गाइस कमेंट में बताना कि मतलब गांव अच्छा, मतलब विलेज अच्छा है, या जो शहर अच्छे होते हैं, मतलब सिटी वगैरह अच्छी होती है। मुझे तो लगा मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि गांव में यार जो मतलब पड़ोसी वगैरह हैं, कज़न वगैरह हैं, वो सभी आपस में जानते हैं, बोलते हैं, काम भी आ जाते हैं कुछ भी। तो शहर में यार कोई किसी को नहीं पूछता, तो इसलिए मेरे हिसाब से ना गाँव अच्छा है बिल्कुल, और बेस्ट विलेज लाइफ। तो गाइज अभी समय हुआ है, जो टाइम हुआ है 6:30, और हम आ गए ऊपर, मतलब AC वाले रूम में विद वर्षित। तो गाइज ना कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पहले जो इंसान थे, मतलब जो पहले जनरेशन थी, वो कैसे रहती थी विदाउट लाइट और विदाउट AC। तो यार आप जो हाँ अपनी जनरेशन वही है, तो बिल्कुल नहीं रहती, क्या बात है यार। असल में तो वैसे तो कलयुग है, और ये इधर वर्षित क्या कर रहा है बेटा, ये वर्षित सीखा फ़ोन चलाना, मैंने इसको सिखा दिया है, देख सकती हो आप इसकी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, रे क्या कर रहा है भाई, इस फोन चलाने का इसका तरीका देखो आप सभी, ऐसे ऐसे डाउन कर रहा है ये। तो गाइस अभी टाइम हुआ 10, मतलब रात के 10 बज गए, और हमने कर लिया डिनर वगैरह, भाई साहब भी आ चुके थे, और अभी इनका चल रहा है सीरियल कुंडली भाग्य, पता नहीं कब ख़त्म होगा। हमारा तो बड़ा क्रेज़ है यार कुंडली भाग्य का। तो भाई अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे, मतलब पपीता वगैरह पापा के लिए छीलूँगा, तो अभी हम चलते हैं ऊपर वर्षित के पास। तो भाई जब अभी ऊपर आया, और मुझे मैंने देखा कि वर्षित तो सो गया है, तो अभी हम थोड़ा यहाँ यहीं टाइम पास करेंगे, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। पापा अभी सोएंगे तब कूलर चलेगा हमारा। अभी मैं आपको वर्षित को दिखा देता हूँ, वर्षित की खिचड़ी ले लेता हूँ। ये सो रहा, कितना प्यारा लगता है ना सोता हुआ बच्चा, बिल्कुल क्यूटनेस। हाय मतलब पुत्र। और तो गाई अभी फिलहाल में चल रहा है मैंने इंडिया और आयरलैंड के बीच में मैच, जिसमें जसप्रीत बुमराह कैप्टन है, मतलब उसने लिए पहले ही और में 2 विकेट, तो मेरे हिसाब से इंडिया जीत की है। और LV यादव भाई ने भी 30 तारीख को, मतलब 30 तारीख को क्यों, संडे को मीटअप रखा है उसमें देवीलाल स्टेडियम में गुड़गांव। तो आपसे भी पहुँचना, मैं भी पहुँचूंगा वहाँ पे, स्टेज पे मैं ही मिलूँगा। तो गाइज अभी टाइम हुआ 6:30, और हम इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं अलेक्सेंडर व्लॉग के साथ। तो अभी खा रहा हूँ पपीता, आप जी को दिखा सकता हूँ, 2-3 फाड़े बची है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।